ड्रू मैकइंटायर ने उसोस के अटैक का बदला कैसे लिया, सैमीजोन और उसोस के बीच क्या देखने को मिला, क्या देखा मेन इवेंट में, किसका रिटर्न आज देखने को मिला और कैरियन क्रॉस ने ड्रू मैकइंटायर और रोमन रेंज को लेके क्या कहा, सबके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करें बिना मत जाइएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ फेनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत में ही हमें वुमेन टैग टीम टूर्नामेंट का मैच देखने को मिला, जो कि रकील रॉड्रिगेज आलिया वर्सेस शॉर्टजी जाया ली के बीच हुआ। मैच की शुरुआत रकील और शॉर्टजी करती हैं। शॉर्टजी रकील को चकमा देने में सक्सेस हो जाती हैं और उन पे हावी होने की कोशिश करती हैं। अब रिंग के पास सोनिया डेविल और नटालिया खड़ी दिखाई दी। रकील अब अपनी पावर दिखाती हैं जाया ली के खिलाफ। अब रकील और शॉर्टजी सोनिया डेविल और नटालिया को बैरिकेड के दूसरी साइड फेंक देती हैं। अब इन्होंने आलिया को अपनी साइड फंसा के तबीयत से मार दी और उन्हें टैग नहीं दे रही थी। शॉर्ट जी ने काफी इंप्रेस करा इस मैच में। एंड में रकील ने जाया ली को मूव देके मैच जीत लिया और नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हो गई वुमेन्स टैग टीम टूर्नामेंट के लिए। अब वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी को बता दूं, पिछले काफी टाइम से ब्रे वाइट के रिटर्न के रूमर्स काफी तेजी से आ रहे हैं। अब उनकी वापसी होगी या नहीं वो अभी कह नहीं सकते हैं, वो तो आने वाला टाइम बताएगा। बट आपको याद दिला दूं, आज से ठीक 3 साल पहले आज के ही दिन फिन WWE में देखने को मिले थे। अब कैरियन क्रॉस और स्कारलेट स्क्रीन पर दिखे, वो कहते हैं कि अराजकता के बीच अपॉर्चुनिटी आती है और यही पिछले हफ्ते के बारे में था। ड्रू मैकइंटायर और रोमन रेंस चूजन वन है। सब ने स्कारलेट और कैरियन क्रॉस को टूटे खिलौने की तरह नज़रअंदाज कर दिया और भुला दिया, हालांकि वो कभी नहीं भूले हैं। हम सही टाइम आने पर स्ट्राइक करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि टाइम कहाँ जाता है, हर कोई टोल चुकाएगा। टिक टॉक क्रॉस झाँकते हैं तो ड्रू मैकइंटायर अपनी एंट्री के लिए खड़े दिखाई दिए। अब हमें ड्रू मैकइंटायर दिखाई दिए, वो कहते हैं कि मुझे किसी को हराने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वो यहाँ लास्ट वीक कैरियन क्रॉस के अटैक को एड्रेस कर रहे थे, जबकि कैरियन क्रॉस के लिए मेरे पास काफ़ी भयानक चीज़ें हैं। वो अटैक के पीछे की सोच को बताते हैं, उसने नंबर वन कंटेंडर पर अटैक करा और अनडिस्प्यूटेड चैंपियन को घूर के देखा। यही बात है कि ड्रू मैकइंटायर ने बैकअप लिया। अब ड्रू मैकइंटायर कैरियन क्रॉस को 3 ऑप्शन देते हैं, पहला नॉकआउट, दूसरा हॉस्पिटल और तीसरा ग्रेवयार्ड में दफन करने का। इसके बाद ड्रू मैकइंटायर अब रोमन रेंस को टारगेट करते हैं और कहते हैं कि रोमन रेंस आज यहां नहीं दिखाई देंगे। अबे यार, ड्रू मैकइंटायर ने ये कह के आगे का पूरा शो खराब कर दिया। खैर, तभी यहां स्कारलेट की एंट्री होती है और पीछे से आके उसोस ड्रू मैकइंटायर पर अटैक कर देते हैं। ड्रू मैकइंटायर पलटवार की कोशिश करते हैं बट उसोस उन्हें वंडी लगा के ढेर कर देते हैं। अब उसोस स्कारलेट को घूर के देखते हैं और कैरियन क्रॉस को लेकर उनको वार्निंग दे डालते हैं। स्कारलेट हंसती हैं और कैरियन क्रॉस की साइड से रोमन रेंस और उसोस को लेकर भी यही कहती हैं। अब हमें इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल की हिस्ट्री से जुड़ा वीडियो पैकेज दिखाया गया, जैसा कि रॉ में US टाइटल को लेकर दिखाया गया था, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े सुपरस्टार भी दिखाई दिए जब उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीता था, और जो चैंपियन रहे हैं उन सबके बारे में दिखाया गया। एक्चुअल में ये टाइटल की इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए करा गया था। अब टाइटल को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग दिखाओ तो कुछ होगा भी, वीडियो पैकेज दिखाने से क्या इंटरेस्ट बढ़ेगा। वाइकिंग राइडर्स अपनी एंट्री कर ही रहे थे तभी कॉफी किंगस्टन कैंडो स्टिक से उन पर फिर से अटैक कर देते हैं। पहले तो मार मार के स्टिक की तोड़ डालते हैं, तभी वाइकिंग राइडर्स अपनी शील्ड से कॉफी किंगस्टन पर अटैक कर देते हैं। आज कॉफी किंगस्टन फंस जाते हैं। अब वाइकिंग राइडर्स तबीयत से कॉफी किंगस्टन में मार दे के उन्हें स्टेज पर ही ढेर करके बैक स्टेज चले जाते हैं। अब रिटर्न तो इनका बड़ा जोरदार हुआ था बट इनको लेके शायद WWE के पास कोई प्लान अभी भी नहीं है। सैमी ज़ेन बैकस्टेज रोमन रेंस के लॉकर रूम को नॉक करते हैं तो उसोस बाहर निकल कर आते हैं, और जैसे ही वो बाहर आते हैं ड्रू मैकइंटायर उसोस पर अटैक कर देते हैं। उसोस में दबा के मार देते हैं और उनको वहीं ढेर करके वहां से चले जाते हैं। सैमी ज़ेन तो भैया भाग खड़े हुए। एक बार को ऐसा लगा कि सैमी ज़ेन ने गेट नॉक करके उसोस को बाहर इसलिए बुलाया था ताकि ड्रू मैकइंटायर अटैक कर सकें। लो भाई, इस वीक और रिटर्न, वो भी एक नहीं दो नहीं तीन, ये तीनों मेंबर हिटरो फैक्शन के थे, आए भी जॉबर के खिलाफ मैच लड़ने और जीत भी लिया। अब ट्रिपल एच पता नहीं क्या क्या भर ले रहे हैं, देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ट्रिपल एच भरे बैठे हैं कि विंस मैकमैन हटें और मैं ये सब कर पाऊँ। एक तरह से ट्रिपल एच विंस मैकमैन के डिसीजन को ठेंगा दिखा रहे हैं। रिटर्न भी ऐसे हैं जिन्हें देख करके बिल्कुल मजा और इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। जिसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा NXT में होगा ना, उनको देख करके इन सुपरस्टार को
शायद थोड़ा बहुत मजा और एक्साइटमेंट शॉक हो रहा हो, लेकिन मुझे तो बिल्कुल नहीं हुआ। आपको हुआ तो कमेंट करके जरूर बताना। खैर, इसके बाद शायना बेजलर और मॉर्गन के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट दिखना था। उससे पहले रोंडा राउजी क्राउड में से एंटर होकर रिंग में आ जाती हैं। उनके हाथ में एक बैग भी होता है। वो बताती हैं कि समर स्लैम में मेरे एक्शन की वजह से मुझे सस्पेंड कर दिया गया है और फाइन भी लगाया है। वो फिर बैग में से पैसे निकाल के टेबल पर पलट देती हैं और सिक्योरिटी आती है, उनको वहां से जाने को कहती है। जब वो स्टेज पर थी तो शायना बेजलर और रोंडा राउजी फेस टू फेस होती हैं। रोंडा राउजी आज ब्लैक आउटफिट में बहुत ही जबरदस्त लग रही थी। अब शायना बेजलर रिंग में आती हैं और बोलती हैं कि मैं स्मैकडाउन रोस्टर की लिस्ट बना रही हूं, जिस लिस्ट में सबसे पहले मॉर्गन का ही नाम आता है। वो इसके बाद चैंपियन को बॉडी पार्ट अलग करने को कहती हैं और दावा करती हैं कि वो टाइटल जीत के उन्हें बाहर कर देंगी। इसके बाद वो साइन कर देती हैं। मॉर्गन अब बाहर आती हैं, उनके हाथ में अभी भी ब्रेस लगा हुआ होता है। वो आगे कहती हैं कि जब मैं रियल डील को दो बार हरा सकती हूं, तो मैं तुम्हें हराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद वो साइन करती हैं और शायना बेजलर मॉर्गन के लगे हुए हाथ को टारगेट करते हुए उनमें मार देना शुरू कर देती हैं। उनके उसी हाथ को अरोड़ती हैं, मरोड़ती हैं। हालांकि मॉर्गन एंड में चालाकी से शायना बेजलर को टॉप रोप का सहारा लेकर उन पे अटैक करती हैं और टेबल पे उन्हें पटक के दे मारती हैं। अब उसोस सैमी जेन को बैक स्टेज मिलते हैं। ड्रू मैकइंटायर के डर से भागने की वजह से उसोस सैमी जेन को डरपोक कहते हैं। सैमी जेन कहते हैं, भाई मैं तो सिक्योरिटी ढूंढने गया था। जे उसो कहते हैं कि तुम अपॉर्चुनिटी से भाग रहे हो। वारे जे उसो। वैसे तो सैमी जेन को ये भाई साहब घास भी नहीं डालते, देख के बड़े बुरे बुरे मुंह बनाते हैं। अब सैमी जेन से क्यों उम्मीद कर रहे हो जब ड्रू मैकइंटायर मार मार रहे हैं। तो इसके बाद हमें ड्रू मैकइंटायर मॉस वर्सेस उसोस के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। शुरू में ड्रू मैकइंटायर अकेले थे। ड्रू मैकइंटायर और जिम्मी से मैच शुरू होता है। ड्रू मैकइंटायर अच्छे से दोनों को हैंडल कर रहे होते हैं। वहीं रिंग के बाहर जे उसो में भी वो मार देते हैं। रेफरी से बचके ये ड्रू मैकइंटायर को गिराते हैं और फिर हावी होना शुरू कर देते हैं। बीच-बीच में ये लोग रेफरी से बचके चीटिंग भी करते हुए नजर आ रहे थे। ड्रू मैकइंटायर पर चीप शॉट भी लगाते हुए दिखाई दिए। तभी ड्रू मैकइंटायर को यहां बैकअप के तौर पर मॉस मिले। उन्होंने आके उसोस में मार दी और दोनों ने मिलकर उसोस को रिंग के बाहर कर दिया। हालांकि ये मॉस पे हावी होने की कोशिश करते दिखाई दिए और वो टैग ड्रू को देते हैं। अब ड्रू आके तबाही मचा रहे होते हैं। अब ड्रू मैकइंटायर क्लेमोर की तैयारी में थे, तभी सैमी जेन की एंट्री होती है। जे उसो ड्रू मैकइंटायर पर सुपर किक और स्प्लैश लगाते हैं और पिन करते हैं, बट ड्रू मैकइंटायर किक आउट कर देते हैं। ये देख के सब शॉक हो जाते हैं। तभी मॉस आके जे उसो को खींच लेते हैं और ड्रू मैकइंटायर रिंग में जिम्मी को पिन करके मैच जीत ले जाते हैं। इसके बाद जे उसो ड्रू मैकइंटायर पर अटैक का ट्राई करते हैं, बट ड्रू मैकइंटायर उन पे क्लेमोर लगाने वाले थे, बट वो लगती सैमी जेन को है। अब टाइम था मेन इवेंट मैच का, जहां हमें नाकामुरा वर्सेस गंथर के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को लेके मैच दिखा। दोनों के बीच शुरू में काफी गुत्तम गुत्ता देखने को मिली। फिर नाकामुरा ने गंथर को लतियाना शुरू करा। दोनों ने एक दूसरे को चोक करने का और सबमिशन पे ज्यादा फोकस रखा। गंथर ने इसके बाद नाकामुरा पे सबमिशन भी लगाया। ठीक ठाक मैच दिखा दोनों सुपरस्टार के बीच। कुछ अच्छे मूव्स भी दिखाई दिए इनके मैच में, जिसने शायद मैच को थोड़ा बेहतर बनाया और फैंस को थोड़ा इंटरेस्ट आया होगा। नाकामुरा ने लातों से गंथर का बहुत अच्छा उतारा। एंड में गंथर ने मैच जीता और टाइटल यहां रिटेन कर लिया। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। अब आज के शो में रोमन रेंस नहीं दिखे, जिसकी उम्मीद मुझे पहले से थी। वहीं माना कि रोमन रेंस आज नहीं दिखते तो ड्रू मैकइंटायर से अनाउंस करवाने की क्या जरूरत थी। उसके बाद शो का पूरा मजा खराब करवा दिया। फैंस को पता चल गया कि भैया रोमन रेंस तो आज दिखने वाले नहीं है। रोमन रेंस के बिहाफ पे उसोस ही ड्रू मैकइंटायर और कैरियन क्रॉस से फ्यूड को आगे बढ़ाते दिखाई दिए। अब उसोस यूनिफाइड टैग टीम चैंपियंस हैं, उसको लेके तो उनकी फ्यूड दिख नहीं रही है। रोमन रेंस की फ्यूड में उन्हें अच्छे से इन्वॉल्व दिखाया जा रहा है। अब रोमन रेंस इस वीक नहीं दिखे, बट WWE ने अनाउंस कर दिया है कि नेक्स्ट वीक ड्रू मैकइंटायर और रोमन रेंस फेस टू फेस होंगे स्मैकडाउन के एपिसोड में। वहीं आज फिर रिटर्न हुए, जिन्हें देख करके इतना सा भी मजा बिल्कुल नहीं आया। आपको आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। रोंडा राउजी दिखी, बट उन्हें किसी एक्शन में इन्वॉल्व नहीं दिखाया गया। एपिसोड ठीक ठाक ही था, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।